24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम जम्मू के जिवल चौक में मौजूद है। आपको बता दें ये साफ तौर पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोग जो है यानी कि व्यापारी लोग जो है यहां पर पहुंचे हैं, सड़कों पर मौजूद है और सड़कों पर एकत्रित हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। मांगों की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप ये बैरिकेड्स देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स जो है वो काफी समय से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये बैरिकेड्स जो है वो कुछ ही समय पहले यानी कि काफी दिन हो चुके हैं इन बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाए हुए, और इन बैरिकेड्स जब से ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हैं तब से इन व्यापारियों का ये कहना है, जो व्यापारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इन व्यापारियों का ये कहना है कि जब से बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हैं तब से हमारा काम ठप हो चुका है। आपको बता दें ये वो दुकानें हैं, ये वो मार्केट है जो काम करते हैं, यानी कि जो दुकानदार है वो दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि जब से बैरिकेड्स को यहाँ पर लगा दिया गया है तब से काम जो है वो ठप हो चुका है। लगातार मांग कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बैरिकेड्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे। यानी कि कुछ ही दिन यानी कि काफी समय हो चुका है, आप रख लीजिए काफी समय हो चुका है इन बैरिकेड्स को यहाँ पर लगे हुए। तो क्या कुछ कहना है व्यापारियों का, क्या कुछ नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है, बातचीत करते हैं। दुकानदार क्या है, हम रोड देख रहे हैं, हमने दुकान क्या लगता है सर कि आखिरकार थापा बात करने के लिए राजी क्यों नहीं हो रहे? गरीब दुकानों, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। थापा साहब को चाहिए कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, कोई गाड़ी आती है चलान करो, हर व्यक्ति का चलान करो कैमरों के साथ पूरे देश पर। थापा साहब क्या चाहते हैं? गरीबों का पेट काटना, गरीबों को मारना, गरीबों का पेट काटना, यही चाहते हैं थापा साहब। और 10 दिन से हाथ जोड़े थापा साहब को, वो इतने इगो उनके अंदर है, पता नहीं क्या बात है। पहले यहाँ से हटाया, 3 महीने बाद दोबारा यहाँ ले आए, पता नहीं क्यों लाते हैं यहाँ पे। बात क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बातचीत आखिरकार बात क्यों नहीं की जा रही, आखिरकार बातचीत करने में तो हल होगा ना। इस तरीके से माहौल बनाया, बिल्कुल ये तो माहौल ही खराब कर रहे हैं यहाँ का। थापा साहब SHO साहब आए हुए यहाँ पे, देखो ना क्या हाल कर रहे हैं। जब से बैरिकेड्स लगे हैं कितना नुकसान जो है वो दुकानों को देखना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं दुकानें बंद करके थापा साहब को चाबियां दे दें, हम दुकानों में बिल्कुल काम ही नहीं है क्योंकि गाड़ियां नहीं आ रही हैं, यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा है, तो हमने दुकानें खोल के क्यों बैठ रहे हैं? 7 दिन से SHO के साथ कनेक्ट में बैठे हैं हम, SHO साहब रास्ता खोल देते हैं, थापा साहब आते बंद करते हैं, कहते हैं जाओ जी ऊपर जा, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। हमने बोला कि ऑर्डर दिखाओ हमें, कहते हैं ऑर्डर हमें दिखाते नहीं है कोई। तभी अभी पूरी मार्केट इकट्ठी हुई है, हमने उनको SHO साहब को भी बुलाया कि आप इसका हल करिए कोई, हम चाहते हैं कि ये रास्ता खोल दे हमारा। थापा जी से बात करने की कोशिश की हम, की अभी की अभी, थापा साहब भाग रहे हैं आपके सामने, कभी उधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, बातचीत नहीं की, नहीं बात करते कि नहीं है बात, वो आते हैं जो ऊपर जाके बात करो। लगता है कि बातचीत क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि आखिरकार बात करने पे ही मसले को सॉल्व किया जाएगा, तो बात क्यों नहीं? मनमर्जी करते हैं, कहते हैं कि संघ में ही बनाऊं, सबको दुकानें बंद करो जो मर्जी करो, मैंने अपनी मर्जी चलानी है यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी का रोटी चलिए, सारे दुकानदार काम सबका चलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। क्या कहेंगे थापा जी आखिरकार बात क्यों नहीं कर रहे हैं और लगातार आप मांग कर रहे हैं कि बैरिकेड्स को हटा दिया जाए? वो बात ही नहीं करेंगे किसी के साथ, वो अपने ईगो पे हैं, वो बात ही नहीं, पुलिस वाले तो हमारे बात नहीं, पुलिस वाले बैरिकेड सरकार का ईगो, बस वो मानते नहीं अपनी यूनिफॉर्म का ईगो इनको, बस किसी बात पब्लिक ही नहीं मानते, पब्लिक मानते, पब्लिक सर्वेंट है जो जो स्टेटस आ रहा है उनका भी नहीं मान रहे, किसी को नहीं मान रहे। वो पोस्टिंग भी हुई थी इनकी लेकिन फिर से यहाँ पर ला दिया, मान ही नहीं रहे वो, किसी को नहीं मान रहे। बैरिकेड तो कल 2 दिन हो गए हटाते, आज दोबारा लगा दी उन्होंने, सुबह के लगा दिए। अब देखो मार्केट में एक बार कैमरा नजर मार के पूरी खाली पड़ी मार्केट, मेन चौक है ये जम्मू का, तो क्या बनेगा इसका? अभी आने टाइम पे जो माल भी बन रहा है क्या बनेगा? अब इतना नुकसान व्यापार को देखने को मिला, 70% काम खत्म हो गया मार्केट का, बिल्कुल काम ही खत्म हो गया। देखिए मैडम बिल्कुल नजर मार के देखिए मार्केट का, 0 कर दिया उन्होंने, बस ये क्या बोलना, आप देख लीजिए जो भी है, आप प्रदर्शन कर रहे, 4 दिन हो गए सुन नहीं रहा कोई, 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे, 4 दिन से मांग कर रहे। हाँ जी मैडम 4 दिन से हो गया, लास्ट 7 डेज को भी इन्होंने हटा दिया, ऐसा कि साफ हटा देते हैं ये बैरिकेड लगा देते हैं। अब तो उन्होंने बिल्कुल क्यों कहा इनको, कहो चाबी हमारी शॉप की ले लो, आप ही रख लो काम कर लो। क्या कहेंगे, 4 दिन से मांग कर रहे हैं कि बैरिकेड हटा दिया जाए ताकि व्यापार जो है वो अच्छे से चल सके, दुकानों का जो व्यापार है वो अच्छे से चल सके, लेकिन क्या लगता है कारण, क्या लगता है आपको कि आखिरकार क्यों नहीं बैरिकेड्स को हटा दिया जा रहा है? पहले बैरिकेड्स नहीं देखने को मिलते थे, अब बैरिकेड्स देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल हम यही रीजन पूछना चाहते हैं, हम इसीलिए हम सारे अब शॉपकीपर्स जो हैं यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट्स सारे इकट्ठे हुए हैं कि बैरिकेडिंग करने का रीज़न क्या है मेन हमें पता चले, क्योंकि बैरिकेडिंग करने की वजह से सारा बिजनेस हमारा सफ़र कर रहा है, कोई भी यहाँ से गाड़ी लेके ना आता है ना जा सकता है। तो ये बैरिकेडिंग अगर इन्होंने करनी है तो इनको परमानेंटली रोड बंद कर देना चाहिए, तो
तो हमें कोई सॉलिड सा रीज़न पता चले कि भाई बैरिकेडिंग करने का रीज़न क्या है। अब इसके पीछे थापा साहब का है या कुछ पर्सनल इशू है या आपस में कोई और कोई है, तो वो हमें पता चलना चाहिए। इसीलिए हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तो ये हटा दो या तो उसको परमानेंट रोड को बंद कर दो। 70 साल से चौक नहीं बंद हुआ है, 70 साल से मैडम चौक नहीं बंद हुआ, ये 70 साल के बाद ही आप काम हुआ है। सारा बिजनेस जो है हमारा अचानक बैरिकेड्स लगा दिए गए। हाँ जी, अचानक से बैरिकेड्स यहाँ पर लगा, अचानक से आहिस्ता आहिस्ता पहले एक बैरिकेड लगाया, फिर दो लगाया, फिर परमानेंटली इन्होंने पूरी लंबी यहाँ पे लाइन लगा दी हुई बैरिकेडिंग की। ये तो एक एक किस्म से बिजनेसमैन जो यहाँ पे दुकानदार इनको परेशान करने वाली ये स्थिति बनाई हुई है इन्होंने। सभी सफर कर रहे हैं, माल बन रहा है, ये भी बन रहा है, उसकी वजह से सब सफर कर रहे हैं। एक एक तरफ ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ऊपर से इतनी सी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट्स की है, बिजनेस डाला हुआ है, हमने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो हर एक चीज़ देखनी होती है, बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। मार्केट का हाल देख लिया, अब मार्केट का हाल देखिए, यहाँ पे कोई बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। रीजन यही है कि यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है। जम्मू का मेन चौक है मैडम जी। थापा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार 4 दिन से मांग कर रहे हैं व्यापारी की बैरिकेड को यहां से हटा दिया जाए। थापा जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, मांग कर रहे हैं कि इन बैरिकेड्स को हटा दिया जाए, क्या कहेंगे? बातचीत नहीं कर रहे हैं आप? उनका कहना है कि थापा जी बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर क्या कहना चाहेंगे सर? बातचीत क्यों नहीं कर रहे आखिरकार आप? सीनियर अफसरों से बात कीजिए आप, ठीक है? तो बैरिकेड्स क्यों लगाए गए हैं आखिरकार? बैरिकेड्स लगाने का कारण बता दीजिए, क्योंकि व्यापारियों का यह साफ तौर पर कहना है कि उनका जो काम है वो ठप पड़ चुका है। क्या कहेंगे सर इस पर? क्या कहेंगे सर? 4 दिन से मांग कर रहे हैं व्यापारी, आखिरकार कब तक ये बैरिकेड्स यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा सर? क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा सर? क्या इन बैरिकेड्स को हटा दिया जाएगा? तो 4 दिन से मांग कर रहे व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि काम जो है वो नहीं चल रहा है। सर क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? तो आखिरकार बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर उनका साफ तौर पर कहना है कि थापा जी बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से हमने थापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन थापा जी ने बात नहीं की। और वहीं पर है, मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं, और ये यहाँ पर दुकानें हैं, ये दुकानें यहाँ पर हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है व्यापारियों का कि यहाँ पर जब से बैरिकेड्स लगाए हैं तब से काम जो है वो काफी ठप हो चुका है। आखिरकार इन बैरिकेड्स को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? आखिरकार इन बैरिकेड्स को क्यों लगाया गया? लेकिन जब हमने थापा से सवाल करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था, यानी कि उन्होंने कोई भी बात हमसे नहीं की बातचीत करने की। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब जो है वो नहीं दिया, क्योंकि व्यापारियों का साफ तौर पर ये कहना था कि जब हमने थापा से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई भी बात नहीं की, और जब हमने उनसे क्वेश्चन की तो उनका साफ तौर पर कोई भी आंसर जो है वो नहीं मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और वो आप देख सकते हैं कि लोग एकत्रित हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि बैरिकेड्स को यहाँ पर हटा दिया जाए। लेकिन 4 दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाला गया है। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं ये वो मार्केट है जहां पर व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले यहां पर हलचल देखने को मिलती थी, काफी संख्या में यहां पर लोग आते थे, लेकिन अब उनके व्यापार को साफ तौर पर उनका व्यापार ठप हो चुका है। काम उनका उस प्रकार से नहीं चल रहा है जिस प्रकार से पहले काम जो है वो चलता था, यानी कि बैरिकेड्स लगाने के बाद काम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर बातचीत जो है वो की जा रही है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। सर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त DYSP जो है मौजूद है, और बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से व्यापारियों की ये मांग है कि इन बैरिकेड्स को यहाँ से हटा दिया जाए, अगर इन बैरिकेड्स को यहाँ से नहीं हटाते हैं तो सड़कों पर वो रहेंगे, यानी कि सड़कों पर ही जिस तरीके से सड़कों पर वो एकत्रित होंगे और सड़कों पर जो है वो हंगामा देखने को भी मिल सकता है। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें चले कि DYSP का ये साफ तौर पर कहना है कि इस मसले पर संज्ञान लिया जाएगा, इस मसले पर बातचीत जो है वो अवश्य किया जाएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है, मसले को हल करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की जा रही है। साफ तौर पर आप देख चुके हैं किस तरीके से यहाँ पर DYSP जो है वो पहुंची और बातचीत की है, और जिस तरीके से इनका व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर मसले को हल नहीं किया जाता है, यानी कि इन बैरिकेड्स को अगर नहीं हटाया जाता है, तो ये फिर सड़कों पर एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे, यानी कि जब तक मांग पूरी नहीं होते ये सड़क
सड़कों पर ही प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे, यानी कि आने वाले समय में मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे ही ये सड़कों पर एकत्रित होंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। लेकिन डिवाइस पर का साफ तौर पर ये कहना है कि इस मसले पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी इस मसले पर संज्ञान लिया जाता है। अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।